वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हम हमेशा डिस्कस करते रहते हैं और आज हम बच्चों के हवाले से डिस्कशन करने वाले। ओबेसिटी यानी कि मोटापा छोटे बच्चों में भी उतना ही ज़्यादा और उसकी रेशो बढ़ रही है। इसकी बेशुमार जो वजूहात भी कह सकते हैं और रीज़न भी कह सकते हैं, जो भी आप हम अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा जिस तरह से बच्चों को ट्रेन करते हैं, खाने पीने की हैबिट्स है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। चाइल्ड ओबेसिटी को डिस्कस करने के लिए आज हमारे पास मौजूद होंगी डॉक्टर बीनेश अली, जो पहले भी हमारे कई बार शो का हिस्सा बन चुकी हैं। डॉक्टर बीनेश, आपको वेलकम करेंगे। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर मीनिश, हम ओबेसिटी की बात करते हैं, हमेशा हम बड़ों की ओबेसिटी मोटापे को डिस्कस करते हैं, इवन अब बच्चों में भी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। चाइल्ड ओबेसिटी की वजूहात क्या है बेसिकली? अच्छा, सबसे कॉमन रीज़न तो हम सबको भी पता है, शायद हम उसको इग्नोर करना चाहते हैं कि हमने बच्चों की डाइट हैबिट्स बहुत चेंज कर दी। बिल्कुल, पहले हमारी डाइट में हेल्दी चीज़ें इंक्लूड होती थी, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल, घर की रोटी, चावल, घर की चीज़ें। लेकिन अब वही हम स्विच करते करते आहिस्ता आहिस्ता हमने बच्चों को आसानियाँ अपनी भी देखी और बच्चों को भी थोड़ा सा हमने यूज़ टू कर दिया फास्ट फूड का, बाहर पैकेट फूड का, और जिसकी वजह से आपने देखा है कि अब हेल्दी होने की बजाय बच्चे मोटे हो रहे हैं। क्योंकि ये दोनों लफ्जों में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है कि हेल्दी होना क्या है और मोटा होना क्यों है। और हमारे यहाँ पेरेंट्स कंफ्यूज हैं कि हमारा बच्चा हेल्दी है या मोटा है। वो कंफ्यूज भी है और वो एक मानना नहीं चाहते, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। मेरे क्लिनिक पे इतने बच्चे आते हैं, बिलीव मी, वो इतने मोटे बच्चे होते हैं और माँ का पहला लफ्ज होता है कि ये बच्चे की सेहत नहीं सही हो रही, बच्चा बढ़ नहीं रहा। अब कहने का मकसद होता है, उनको तो हम कन्विंस कर देते हैं कि देखें इसकी एज ये है, वेट उसका अकॉर्डिंग टू एज ये होना चाहिए, तो आपके बच्चे का ओवर वेट है। लेकिन वो माँ बाप है ना, उनको लगता है कि जी जैसे भी हैं बच्चे हमारे, पता नहीं फूल के कहाँ हो जाना चाहिए। खाने की रेशो ज़्यादा है, वो भी अनहेल्दी चीज़ें, जैसे फास्ट फूड, पैकेट फूड, बाहर की चीज़ें, और एक्टिविटी लेवल बच्चों का बहुत कम हो गया है। हमने उनके हाथों में मोबाइल्स पकड़ा दिए, टैबलेट्स पकड़ा दिए। वही बच्चे जो पहले फुटबॉल खेल रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, अब वो इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं अपनी इन एक्टिविटीज में कि वो अपनी जगह से उठते नहीं। बिल्कुल, तो ये कॉमन रीजन है। डॉक्टर बीनेश, जंक फूड का इस्तेमाल नो डाउट बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, उसकी वजह से भी चाइल्ड ओबेसिटी बहुत आती है बहुत यंग एज में। अब ऑल्टरनेट्स पे पेरेंट्स इतना ज़्यादा प्रेफर भी नहीं करते, कुछ टाइमिंग की वजह से। कुछ ऐसी चीज़ें भी टिप्स होनी चाहिए कि बच्चों को हम इस चीज़ से दूर करें जो चाइल्ड ओबेसिटी है, इससे और भी दीगर प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं बच्चों में। मतलब इसके बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो हमें सबको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आपको साइड इफ़ेक्ट्स का पता होता है ना, तो आप बच्चों को तो नहीं बता सकते ना, आप खुद उनको अवॉइड कराते हो। जब आप अवॉइड कराते हो तो वो हैबिचुअल हो जाते हैं कि उन्होंने वो चीज़ें करनी है और दूसरे काम नहीं करने। सबसे कॉमन ओबेसिटी की वजह से, जैसे आप पहले भी ब्लड प्रेशर का डिस्कस कर रहे हो, ये बच्चों की बड़ी कॉमन डिजीज़ है जिसमें हाइपरटेंशन बच्चों में हो जाता है। पहले कभी हमने नहीं सुना था कि बच्चों में भी हाइपरटेंशन आता है, अब इतने कॉमन केसेस आ रहे हैं। और रीज़न सिर्फ ये है कि ओबेसिटी सिर्फ अनहेल्दी फूड की वजह से, एक्टिविटी लेवल कम होने से। और आपने ये कॉमन एक आजकल स्टेटमेंट सुनी होगी कि बच्चा 18-19 साल का या 16 साल का रात को सोया है, सुबह उठा नहीं है, सुबह उसकी डेथ हो गई। ये रीज़न हार्ट अटैक्स, पहले बड़ों में हम सुनते थे कि हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, जी हार्ट पेशेंट है ये, अब ओबेसिटी की वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स बच्चों में बहुत कॉमन हो गए हैं। इसके अलावा बच्चों में जो सबसे कॉमन थ्रोट प्रॉब्लम, थायराइड के प्रॉब्लम्स, टॉन्सिल इनलार्ज हो जाते हैं, और सबसे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल भी उनके हाई रहने लग गए हैं। इवन ये कि हमें बीमारियां जो बड़ों की है, और आपने डायबिटीज़ जो बड़ों का हम सुनते थे, बच्चों में भी ओबेसिटी उसकी रीज़न है। तो इन सारी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए एक ही चीज़ है कि बच्चों को हेल्दी डाइट दें, कम से कम उनके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उनको आदत बनाएं उस चीज़ की, घर की रोटी, चावल, ये चीज़ें दें। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को हम स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि जी आप कर ही नहीं सकते, बच्चा चीज़ ही इस नाम का है, कि उसको आप प्यार से मना करो। लेकिन जब आप अपनी हेल्दी डाइट दे रहे हो, उसके साथ अगर थोड़ी सी बच्चा बाहर की भी फूड ले लेता है, तो वो कंपनसेशन हो जाती है। अच्छा, हेल्दी डाइट में हम जब बात करते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, घर की बनी हुई चीज़ें, लेकिन समटाइम्स हम बच्चों को वैसे भी नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं कि एक बच्चे की खुराक में अच्छी कुछ फैमिली या जेनेटिक भी होती है, वो चीज़ जो ओबेसिटी उसमें ट्रांसफ़र हो रही होती है, तो क्या ये भी रीजंस होती हैं जो जिस तरह से अभी आपने सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं? बिल्कुल, जेनेटिकली भी होता है कि फैमिली में रन कर रही होती है ओबेसिटी, लेकिन वो भी कंट्रोल हो सकती है। उसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि जी ये तो हमारी फैमिली में रन कर रहा है तो ठीक है, जो होना है हो जाए।
हर चीज़ को आप अपने कंट्रोल में ला सकते हैं. बच्चों में तो आप बड़ा इजीली कंट्रोल में ला सकते हैं. बच्चों को आप वैसे किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर दें कि जी, जैसे आप उनको साइकिलिंग एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप बच्चों का वेट गेन होने के बहुत लेस चांसेस हैं. साइकिलिंग, उनको साइकिल घर ला दें, उनको कहीं साइकिल चलाएं, थोड़ी देर उनके साथ खुद वॉक करें, बच्चे आपके साथ खेलें. आपको बात ये होती है कि बच्चों को भी आपको उस तरफ लाने के लिए खुद को भी चेंज करना पड़ता है. ये नहीं कि आप बैठे हुए हैं टीवी देख रहे हैं और बच्चों के जाओ बेटे आप जरा वॉक कर आओ, ठीक है, ये तो नहीं बिल्कुल. इसके अलावा आप उनको फुटबॉल एक्टिविटी में, कोई बास्केटबॉल, जिसमें आपके बच्चे का इंटरेस्ट है. ये एक्टिविटी मैं बार बार इसलिए स्ट्रेस कर रही हूँ कि 30 मिनट एक्टिविटी पर डे होना बच्चे के लिए भी लाजमी है, जैसे कि बड़ों के लिए लाजमी है कि वॉक हो जाए या कुछ भी हो जाए. इसलिए कि ये एक तो उसकी ओबिसिटी को प्रिवेंट करेगा और दूसरा रिस्क ऑफ अदर डिजीजेस को प्रिवेंट करेगा. अच्छा डॉक्टर विनेश, ओबिसिटी की बात करें, जैसे हमने जेनेटिक भी बात की कि सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती रहती है, लेकिन हमारा नॉर्मली वही फिजिकल एक्टिविटी की एक कमी है और पेरेंट्स भी इतनी तवज्जो नहीं देते कि हमारे बच्चों को फिजिकल एक्टिविटी की ज़रूरत है, और ना वो जो मोटे और ओबीस होने का फ़र्क है. कुछ सिम्टम्स, कुछ आइडिया ऐसा जो पेरेंट्स भी जो हमारे देख रहे हैं उनको पता हो कि अच्छा हमारा बच्चा हेल्दी इस कंडीशन में है और ओबीस जो हो रहा है या ओबेसिटी की तरफ जा रहा है वो इस कंडीशन में. देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो इस अपने बच्चे का आपको फॉलो अप एक पीडियाट्रिशियन से, चाइल्ड स्पेशलिस्ट से रखना चाहिए. क्योंकि जो वेट होता है वो अकॉर्डिंग टू एज हाइट होता है. वो एक ग्राफ आपको प्लॉट करके दे देंगे, उनकी फाइल इख्तियार कर देंगे जिसमें आपको पता होगा कि हमारा बच्चा अकॉर्डिंग टू एज उस वेट पे आ रहा है या उससे ओवर हो रहा है या उससे अंडर हो रहा है. दूसरी बात ये है कि आपको थोड़ी सी कुछ कॉमन सिम्टम्स पेरेंट्स जो अक्सर बताते हैं कि बच्चा चलता है तो सांस फूल जाता है बच्चे का, दिल की धड़कन तेज़ होने लग जाती है, मेरा बच्चा कोई काम ज़्यादा देर के लिए नहीं कर सकता, कोई प्ले भी कोई गेम भी कर रहा है तो वो थोड़ी देर के लिए बैठता है, पहले अपने आप को नॉर्मल करता है और दोबारा खेलता है. तो देखिए, इसमें और भी बहुत सी रीज़न होती है, लेकिन सबसे कॉमन रीज़न कि आपका बच्चा मे बी ओवरवेट है जिसकी वजह से वो अपनी एक्टिविटी उस तरह नहीं कर पा रहा जिस तरह नॉर्मली उस एज के बच्चों को करनी चाहिए. और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आपको थोड़ा सा लग रहा है कि मेरा बच्चा घर की फूड हेल्दी की बजाय बहुत ज़्यादा डेली वो थोड़ा सा बाहर की फूड, फास्ट फूड या मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो मस्ट कंसल्ट. इसलिए कि उसमें मे भी कुछ रीजंस ऐसी होती हैं जिसमें हम कुछ इन्वेस्टिगेशन कराते हैं कि जिसकी वजह से ये होता है कि बच्चे को भूख क्रेविंग्स किसी और चीज़ की हो रही होती है. ठीक है, उसमें मैं एक कॉमन एक चीज़ बताऊं कि एनीमिया एक ऐसी चीज़ है, पैलर, पीला होना बच्चे का, कि उसकी क्रेविंग्स हो रही होती है किसी दूसरी चीज़ की. जैसे अक्सर आपने देखा बच्चे बर्फ़ खा रहे होते हैं, ठीक है, बच्चे कोई अनहेल्दी चीज़ें खाना पसंद कर रहे होते हैं. वर्म्स बच्चों के बहुत कॉमन है. वर्म्स जब बच्चों के होते हैं तो उसमें बच्चों को एपिटाइट उसकी इंक्रीज कर जाती है, भूख ज्यादा लग भी नहीं रहा होता, भूख ज्यादा लग रही होती है, बच्चा खा रहा होता है उसकी डाइट के अकॉर्डिंगली, वो बच्चा बिल्कुल उस तरह का नहीं लग रहा होता. तो इसलिए ये जब थोड़ा सा आपको चेंज लग रहा होता है ना, तो उसको एज अ रूटीन नहीं लेना चाहिए कि ठीक है ये तो मेरा बच्चा ठीक है. उसको एक आपको थोड़ा सा कंसर्न करना चाहिए कि क्या रीजन है इसकी. सही. अच्छा डॉक्टर विनेश, डाइट के हवाले से भी कुछ टिप्स जो पेरेंट्स को अल्टरनेट पे लाने के लिए बच्चों को, कि अगर हम जंक फूड की तरफ जा रहे हैं तो हमें नेचुरल फ्रूट्स या वेजिटेबल्स, घर पे क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जो बच्चों की डाइट या नशोनुमा में इम्पोर्टेंट हो. देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो 6 to 8 glasses जैसे बड़ों के लिए इम्पोर्टेंट है वाटर के, आप अपने बच्चे को एक पानी की बोतल भर के दें भरी, और उसको कहें कि बेटे ये रात तक आपने पीनी है, इट इज़ योर टारगेट. जब आप बच्चे को अप्रिशिएट करके कहेंगे ना कि आपका टारगेट आपने ख़त्म करनी है, तो वो देखिए आपको खुद बताएगा कि ये देखिए मैंने रात को ये पी लिया है पानी. नंबर वन, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज़, उनको घर की अगर आप किसी तरह वेजिटेबल्स को चेंज करके दे सकते हैं, कि अगर आपके बच्चे को कुछ नहीं चीज़ें पसंद, आप उसको डाइनिंग टेबल पे बिठाओ, आप उसको कहो कि बेटे ये मैं खा रहा हूँ, आप 1 to 2 bites ले लो. देखो, जब वो 1 to 2 bites एक दफ़ा लेता है, नेक्स्ट टाइम वही उसके ज़्यादा हो जाता है, और फिर नेक्स्ट टाइम उसके टेस्ट पर डेवलप हो जाते हैं कि वो उस चीज़ को लाइक करना शुरू कर देता है. इसी चीज़, स्नैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. अक्सर हम स्नैक में यूज टू हो जाते हैं ना, कि ये पैकेट की चिप्स पकड़ा दी, कोई बिस्किट पकड़ा दिया, कि जी ये लो जी ये स्नैक ये खा लो, लंच बॉक्स में मैंने देखा बच्चों को दे दिया जाता है कि ये खा लो. अब उसको इस तरह आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं कि आप घर में खजूर रख सकते हैं. डेट इतनी इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, यकीन करें कि एक तो उसका ब्लड हीमोग्लोबिन इतना ज़्यादा इंक्रीज करती है. आप उसको खजूर दें, मीठी है, वो शौक से खाएगा. आप उसको कोई फ्रूट, एप्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, बनाना उसकी प्रोटीन लेवल बेहतर करेगा, उसकी एनीमिया के लिए बहुत बेहतर है.
आप उसको आजकल जो सीजनल फ्रूट है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि ये देना है ये नहीं, आप उसको स्नैक टाइम में फ्रूट से ऑल्टरनेट कर दें, ठीक है, बजाय ये कि हम उसको कोई वो चीज़ दें जो हमें भी लग रहा होता है यार ये अच्छी नहीं है, लेकिन हम वो सिर्फ एक थोड़ी सी बच्चों को हैप्पी करने के लिए कर रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर बीनिश, अगर खुदा ने खासा बच्चा ओबीस हो गया या ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, एहतियाती तदाबीर? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप अपने घर पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक तो थोड़ा सा उसको डाइट हैबिट्स उसकी बिल्कुल चेंज कर दें, उसको अगर आपने बाहर की फूड कहीं करनी है आउटिंग ज़रूर करें, लेकिन वीकेंड्स रखें, बजाय ये कि आप डेली डेली उसको ये देना चाहें, आप वीकेंड्स पे बच्चों को कह दें कि हम वीकेंड्स पे जाएंगे, हम ये खाएंगे। दूसरी बात, आप खुद अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं ताकि आपका बच्चा आपके साथ एक्टिविटी बढ़ाए। तीसरी चीज़, क्योंकि ये आपकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि हम पहले ही प्रिवेंट कर सकते हैं उन चीज़ों को। तीसरी चीज़ ये कि आप अपनी डाइट हैबिट्स में सैलड को इंक्लूड करें। सैलड बच्चों के लिए ये नहीं होता, मैंने बड़े कॉमन एक क्वेश्चन लोगों से सुने हैं कि मैं जब सैलड कहूँ बच्चे क्यों सैलड खाएंगे, बच्चों के लिए क्या काम सैलड का, हालांकि बच्चों को आदत होनी चाहिए। देखिए बच्चों के लिए वो हमसे ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ सैलड, तो आप बच्चों के सैलड एक टाइम किसी भी लंच में या कुछ उसकी डाइट में सैलड इंक्लूड कर दें। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, खुद पानी पियेंगे तो बच्चों को भी आदत पड़ेगी कि हमने भी अपने माँ को देखना है, अपने बाप को देखना और पानी पीना है उसी तरह। ज़बरदस्त डॉक्टर बीनिश ने हमें इतनी ज़बरदस्त टिप्स बता दी हैं जनाब बच्चों की ओबेसिटी के हवाले से, कि आप पहले ही प्रिवेंट करें, पहले ही क्यों कर लें। ज़रूरी नहीं कि खुदा ना खास्ता आपका बच्चा ओबीस हो रहा है या उसको ओबेसिटी की तरफ जा रहा है तभी आप उसकी तरफ जाएं। डाइट के हवाले से डॉक्टर बीनिश ने तो आपको गाइड कर दिया, हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट भी होंगी, वो भी हमें बच्चों की जो गजाइत है उसके हवाले से बता रही है, तो उनसे ही जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बच्चों की गजाइत के बारे में। बच्चों की जो गजाइत होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। उसकी वजह ये है कि वो उनका डेवलपमेंट का, उनके ब्रेन डेवलपमेंट का, उनकी फिज़िकल ग्रोथ का टाइम होता है। उस टाइम पे जो आप डाइट देते हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कोशिश करें कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक बच्चों का ज़्यादा रखें, स्नैक्स में प्रेफरेबली उनको फ्रूट्स दें। और फ्रूट अमूमन जैसे सेब है तो वो बच्चा पूरा सेब नहीं खाता, कोशिश करें डाइस करके उसको काट के बच्चे के सामने रख दें। बच्चा अगर टीवी भी देख रहा है तो साथ साथ खाता रहे, या होमवर्क कर रहा है तो साथ साथ स्नैक्स में फ्रूट लेता रहे। इसके अलावा वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम बचपन से ही बच्चे को आदत नहीं डालते कि वो सब्जियों का इस्तेमाल करे, शुरू से ही हमारी जो प्रेफरेंस होती है वो फ्रूट जूसेस की तरफ होती है। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, जूस पिलाना या शेक पिलाना शुरू कर दिया। वेजिटेबल्स की तरफ अमूमन फीमेल्स इतना ध्यान नहीं देती अपने बच्चों की, उससे होता क्या, एक टेस्ट बच्चे का डेवलप नहीं हो पाता। अगर बच्चे ने छोटे होते नहीं वेजिटेबल्स खाई, वो बड़े होके भी मोस्ट प्रोबेबली वेजिटेबल्स की तरफ नहीं आएगा, सैलड्स की तरफ नहीं आएगा, जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी में इंपॉर्टेंट होते हैं, बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, स्किन वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, वो बच्चा नहीं लेता। और सिर्फ चाइल्डहुड में नहीं बल्कि जब वो अडल्ट हो जाता है वो तब भी वो न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाता। इसके अलावा जो एक बहुत कॉमन मसला देखने में आया वो ये आया कि मदर्स आजकल शॉर्टकट के चक्कर में होती हैं। अगर बच्चे को ब्रेकफास्ट देना है तो कोई दो बिस्किट दे दिए या बनी बनाई कोई चीज़ मार्केट से कोई चीज़ ला के दे दी, खुद से एफर्ट नहीं करती। हालांकि मेरे ख्याल में खुद से एफर्ट सबसे ज़्यादा मैटर करती है। सैंडविच बना दें बच्चे को या हेल्दी ब्रेकफास्ट, अंडा दे दें उसको, दूध दे दें, हेल्दी ब्रेकफास्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बच्चे का दूध से रिलेटेड टेस्ट डेवलप कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि दूध में प्रोटीन भी और कैल्शियम भी, और दोनों के दोनों बच्चों की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा दूध नहीं लेता तो दही की तरफ उसको लेके आने की कोशिश करें, लेकिन कोशिश करें कि बच्चा आपका डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करे, रोटी चावल का इस्तेमाल ज़्यादा करे बनस्पत के बाहर के खानों की। और फिर होता क्या, लंच में बच्चा जब स्कूल जाता है लंच में भी उसको कोई बने बनाए चिप्स दे दिए या कोई पैकेट की चीज़ दे दी ताकि टाइम बचाया जा सके या मदर की एफर्ट को रिड्यूस किया जा सके। उससे भी क्या होगा, बच्चे का शुगर का इंटेक बढ़ जाएगा, न्यूट्रिएंट्स उसके कम से कम होते जाएंगे, उसकी ग्रोथ पे, उसकी ब्रेन डेवलपमेंट पे फर्क पड़ेगा, आपका बच्चा बाकी बच्चों से पीछे रह जाएगा। और फिर ये बाद में ओबेसिटी यानी कि मोटापे की भी वजह बन सकता है। मोटापे के साथ और बहुत सारी बीमारियां आती हैं जिसमें दिल की बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर वगैरह आ जाता होता है। तो कोशिश करें शुरू से ही
बच्चे की आदत इस तरह की बनाएं कि उसको सारी हेल्दी डाइट लेने की आदत हो, स्नैक्स का उसका इंटेक कम से कम रखें, स्नैक्स हेल्दी स्नैक्स उसको दें, लेकिन जो बने बनाए जो पैकेट की चीज़ें होती हैं या जो बेकरी आइटम्स होते हैं उसका इस्तेमाल बच्चे का कम से कम रखें। डब्बे का जूस उसको बिल्कुल मत पिलाएं, डब्बे के जूस में बहुत ज़्यादा चीनी होती है, चीनी शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह सारा कुछ इसी से शुरू होता है आपके बच्चे की डाइट से। बच्चे की डाइट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आई रिपीट, दूध का इस्तेमाल, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल, फ्रूट का इस्तेमाल, रोटी चावल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा रखें, शुगर को कट करने की कोशिश करें। जो कस्टर्ड्स और मेवे और ये सारा हलवे वगैरह आप बना के दे देते होते हैं बच्चे को, उसको अवॉइड करें, हेल्दी से हेल्दी फूड बच्चे को दें। थैंक यू सो मच आयशा, आपने हमें बता रही थी कि बच्चों की डाइट का हमने किस तरह से ख्याल रखना है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल होना चाहिए, शुगर को माइनस करना है, बिल्कुल माइनस नहीं करना लेकिन कम करना है। हमारे साथ कॉलर हैं जी लाइबा। अस्सलाम वालेकुम लाइबा। वालेकुम सलाम जी। लाइबा क्या कहना चाहेंगी आप? छोटा भाई है, कुछ अगर उसे कुछ खाने के लिए तो वो नहीं खाता, ना ही चिकन खाता, बीफ मटन कुछ नहीं खाता। आपके भाई की एज क्या है? दूध वगैरह भी नहीं। एज क्या है लाइबा आपके भाई की? एज उसकी 10, नहीं सॉरी 8 इयर्स। ठीक हो गया। तो क्या वो बहुत ज्यादा स्लिम है, बहुत पतला है या थोड़ा ओबीस है? क्या बहुत ज्यादा स्लिम है और वीक भी बहुत है। अच्छा कुछ नहीं खाता है डॉक्टर विनीश? जी दूध भी नहीं पीता। उसकी वेट बता दें अगर? वेट उसका पता है लाइबा आपको कितना उसका वेट? वेट उसका वेट का नहीं पता लेकिन है बहुत स्लिम है, बहुत वीक है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग लाइबा। और ये कह रही है इनका भाई जो है 8 इयर्स उसकी एज है, कुछ नहीं खाता, ना मटन बीफ ना चिकन, मतलब उसकी डाइट बिल्कुल जीरो है और वो बहुत स्लिम भी है। अच्छा सबसे पहले तो देख, बच्चा का जब ये कंडीशन हो और इस एज पे हो तो एक उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी होता है, देखना ज़रूरी होता है कि अगर उसे भूख नहीं लग रही तो उसकी रीज़न क्या है। ठीक है, एक तो आप अपने कंसल्ट ज़रूर करें डॉक्टर को ताकि कुछ ज़रूरी टेस्ट जो उसके हम करा सके वो कराएं। दूसरी बात ये है कि आपने कभी उसको अगर बच्चे को जब नहीं हो रहा होता ना तो समटाइम एपिटाइज़र बड़ा इफेक्टिव होता है। एपिटाइज़र का मतलब ये नहीं होता कि उसने कुछ अंदर चेंज ले आना है, एपिटाइज़र ने सिर्फ एक मेटाबॉलिज्म को तेज़ करना होता है। जैसे अक्सर हम भी ग्रीन टी या कुछ ले लेते हैं मेटाबॉलिज्म को तेज़ करने के लिए, तो आप उसके लिए आप कोई एपिटाइज़र यूज़ कर सकती हैं 2 मंथ्स के लिए, वो आपके लिए काफ़ी इफेक्टिव बच्चे के लिए। और एक बार कंसल्ट कर लेंगे, दिखा लेंगे तो मेरे पास ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो पता लग जाता है कि कोई बच्चे में कोई डिजीज तो नहीं चल रही जिसकी वजह से उसे भूख नहीं लग रही। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर विनीश, बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपको और भी मेहमानों से मिलवाएंगे। आप देखते रहिए जागो लाहौर।